हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसआई बनने के लिए क्लास ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज मार्क्स होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के सभी स्टूडेंट के कमेंट दूर कर दूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्लास ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत छोटी वीडियो होगी, कम समय में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए वो अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करते हैं और रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। तो देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एसआई बनना है तो इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपकी रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरा, जो रिटेन एग्जाम होते हैं इसकी भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। रिटेन एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रिटेन एग्जाम में बेसिकली आपके मैथमेटिक्स होते हैं, आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स होता है, और उसके अलावा दोस्तों होती है रीजनिंग। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से करें ताकि जब भी वैकेंसी है आप उसको एकदम एक बार में क्लियर कर सकें। उसके बाद जब भी रनिंग हो आप उसको भी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यानी कि मतलब कि ये दो काम सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे कि कितने परसेंटेज होने चाहिए क्लास ट्वेल्थ में, मैंने तो ये बताया नहीं। तो देखो, इसे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। कहने का मतलब है कि एसआई के लिए क्लास ट्वेल्व के परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके 90% हैं तब तो और अच्छा है। कहने का मतलब है कि परसेंटेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका रिटन एग्जाम और आपका फिजिकल एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी दोनों पर फोकस कीजिएगा। परसेंटेज कम है तो कोई बात नहीं, तो जो होना था वो हो गया, उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो आई होप दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको पता चल चुका होगा। अगर आप कोई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। एसआई बनने का पूरा प्रोसेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।